यूपी में ओबीसी आरक्षण पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, पिछड़ों के हक को मारने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का अगर शीर्ष नेतृत्व कहेगा तो पिछड़ों के अधिकार को लेकर समाजवादी लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी हैं, आरक्षण बचाओ रैली निकालने जा रहे हैं, क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्देश देगा वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश करेगा। जो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या जाएंगे आप लोग? माननीय उच्च न्यायालय ने कल सरकार के गलत रवैये पर हस्तक्षेप किया है और बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। एक तरफ कोर्ट कह रहा है 31 जनवरी तक चुनाव कराओ, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि नहीं अब हम आयोग गठित करेंगे और वो रिजर्वेशन दे के ही चुनाव कराएंगे। तो स्थिति बड़ी अस्पष्ट है, स्थिति साफ नहीं है। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के हकों पर डाका डालने का काम कर रही है। आरक्षण विरोधी है भारतीय जनता? निश्चित रूप से आरक्षण विरोधी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट में मुँह की खानी पड़ी है। समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन का भी तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्देश देगा उसका हम अनुपालन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व अगर फैसला लेगा तो आरक्षण के मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, MK News।